हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर से आसाराम को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आसाराम की तबीयत बिगड़ने से एक बार फिर से आसाराम सुर्खियों में आया है। यूरिन इन्फेक्शन के कारण 5 दिन से उसे बुखार आ रहा है। शनिवार को उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह ICU में है, डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर में बुखार आने पर उसका वहीं पर इलाज शुरू किया गया, लेकिन 5 दिन में बुखार नहीं टूटने पर एम्स लाया गया। एम्स में प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि उसका यूरिन इन्फेक्शन काफी गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इन्फेक्शन का असर कम होने के बाद बुखार भी उतरने की उम्मीद है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आसाराम को 2 माह पूर्व एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जांच के लिए 3 बार उसे एम्स लाया जा चुका है। अब उसे एक बार फिर से भर्ती कराया गया है। अपना इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से कराने के लिए आसाराम हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने की गुहार लगा चुके हैं। एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसे स्वस्थ करार देने पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, जोधपुर से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल HG के न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।